नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में। देखिए, कंपनी देखा जाए तो एफएमसीजी से बिलोंग जरूर करते हैं, फिर भी देखिए इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यूज जो आते हैं वो है तंबाकू मतलब सिगरेट से। तो सिगरेट इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है उनमें से नंबर वन पोजिशन इसका रैंकिंग है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपनी का नाम जो है वो है आईटीसी। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी से बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस अपडेट के बेसिस से कंपनी के फ्यूचर कितना और भी सस्टेनेबल हो सकते हैं और भी कितना ग्रोथ हो सकते हैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको जरूर कहूंगा, अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप एंजल ब्रोकिंग के माध्यम से मतलब एंजल वन के माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर आप वहां से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारा तरफ से आपको मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो है कंपनीज के बारे में बात करूं तो कंपनीज का आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न है वो देखेंगे तो आज के दिन आप सभी जानते हैं मार्केट अराउंड 0.50% तक गिरावट है। जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो 1% तक गिरावट देखने को मिला था, क्योंकि यूएस मार्केट से पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा फॉल आउट देखने को मिला, तो इसीलिए इंडियन मार्केट के ऊपर भी प्रेशर था। तो इसीलिए आज मार्केट गैप अप में ओपन हुआ, सॉरी गैप डाउन में ओपन हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी जरूर किया है। तो फिर भी देखिए नेगेटिव में ही क्लोजिंग मार्केट देखने को मिला। तो यहाँ पे फिर भी देखिए आईटीसी जैसे कंपनी, तो आईटीसी जैसे कंपनी आप सभी जानते हैं इस कंपनी के बहुत सारे मल्टी बिजनेसेस है, तो आईटी सेक्टर में भी इसका बिजनेसेस है, साथ ही साथ तंबाकू के ऊपर भी कंपनी बिजनेस करते हैं, एफएमसीजी के ऊपर है, पैकेजिंग के ऊपर है, पेपर सेक्टर के ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर है, तो बहुत बहुत अलग अलग सेक्टर है। तो चलो उस सेक्टर के बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेक्टर है, तो आईटीसी देखिए सिगरेट्स के ऊपर सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इसलिए सिगरेट उसका नंबर वन बिजनेस है, मतलब उसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला बिजनेस है। और दूसरे देखिए एफएमसीजी, एफएमसीजी भी एक जबरदस्त कंपनी है, तो इसके ऊपर भी रेवेन्यू सिगरेट के बाद ज्यादातर देखने को मिला। होटल्स का भी बिजनेस है इसका, और इसका और भी देखिए पेपर्स के है, या फिर पेपर बोर्ड के भी है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी एग्रो बिजनेस के ऊपर भी काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर भी बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे आज के दिन का जो न्यूज है, आज के दिन का जो अपडेट है वो टोटली देखा जाए तो एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो एग्रीकल्चर के ऊपर क्या न्यूज आया जिसके कारण आज के दिन स्टॉक में पॉजिटिविटी देखने को मिला, तो जब न्यूज आया उसके बाद देखिए स्टॉक में किस तरीके से रैली, यहाँ से एक रैली देखने को मिला। तो अराउंड आप देखेंगे तो 1% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिला। देखिए 1% कुछ भी नहीं होता, चलो मान लेता हूँ, फिर भी देखिए स्टॉक में अगर नेगेटिव मार्केट में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता है, मतलब कोई पॉजिटिव इम्पेक्ट आता है, तो उसको आपको देखना चाहिए वो कितना पॉजिटिव है। क्योंकि देखिए जब मार्केट गिरते हैं तब किसी भी कंपनी के ऊपर अच्छा रिजल्ट आने के बाद वो अगर रैली दिखाता है उसके मतलब मान लीजिए वो कंपनी में पोटेंशियल जरूर है। तो चलो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ, कंपनी के कौन सा न्यूज है जिसके कारण आज के दिन मार्केट में इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी रिजल्ट आया। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट नहीं सॉरी जो न्यूज है वो इंडिया टुडेज के ऊपर यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो क्या बताया जा रहा है आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे, आईटीसी ने क्या करने वाला है, आईटीसी टू लॉन्च ऐप फॉर इंडियन फार्मर। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए इंडियन फार्मर के लिए एक नया ऐप लॉन्च करने वाला है। देखिए ऐप लॉन्च करने से आपको क्या फायदा होगा और कंपनी को क्या फायदा होगा, तो चलो वो भी आप ध्यान से आप आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए ऐप होने से कंपनी के फायदा ऑब्वियसली अच्छा खासा होगा, क्योंकि मान के चलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किसी भी मतलब किसी भी फार्मर को कुछ भी क्वेश्चन है, मतलब कोई भी मान के चलिए मैं एक फार्मर हूँ तो उसके बेसिस से मुझे कोई भी फार्मिंग करने के लिए मुझे नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज मैं कहाँ से लूँ। तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया, आईटीसी ने क्या किया, एक नया ऐप लॉन्च कर रहा है, उसके माध्यम से आपका जितने सारे क्वेरीज है, आप कोई भी फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसका जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे इस ऐप के माध्यम से। तो इसमें क्या होगा, इसमें कंपनी का एक सपोर्ट फार्मर को मिलेगा और फार्मर अच्छा खासा काम भी कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इंडिया में
इस साल मतलब 2022 इस साल में सबसे ज्यादा फार्मिंग जो प्रोडक्ट है, मतलब हमारा इंडिया से जो जितने सारे फार्मिंग किया जाता है उसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया है। सबसे ज्यादा आज तक इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हुआ। तो मान मतलब एक चीज आप समझ लीजिए, जितना ज्यादा बाहर की कंट्री में हमारा जो फार्मिंग का जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही डॉलर इंडिया में आएगा, क्योंकि डॉलर के ज्यादा कलेक्ट होने से कंपनी भी मतलब इंडिया का ग्रोथ भी होगा। साथ ही साथ मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी करना है तो डॉलर जितना पास रहेगा उतना ही अच्छा होगा दूसरे चीज खरीदारी करने के लिए। तो ये सबसे पॉजिटिव न्यूज है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ITC, यहाँ पे देखिए उसका जो नाम दिया गया है ITC मार्स, तो इस एप्स के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, एप हुईज स्पीक ऑफ ऑफर वाइड रेंज एग्रीकल्चर सोल्यूशन। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आपका कुछ सोल्यूशन चाहिए, मतलब आप एक फार्मर है, चलो कोई भी एक फार्मर है वो अगर सॉल्यूशन चाहते हैं, मान के चलिए कोई भी फार्मिंग करना चाहते हैं उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस ऐप के माध्यम से कंपनी को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जितने सारे फार्मर्स हैं उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट कैसे मिलेगा वो आपको मैं समझा चुका हूँ, आशा करता हूँ समझा चुका हूँ मोटा मोटी। तो फिर भी देखिए मैं एक बार पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। बिजनेस ऐप देखिए कॉन्ग्लोमेटेड ITC इज सेट अप सॉरी सेट टू लॉन्च द ITC मार्स ऐप विच स्पीक टू ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर सोल्यूशन ऑफ फार्मर, तो विच क्रिएटिंग न्यू रेवेन्यू यहाँ पे देखिए स्ट्रीम्स एंड प्रोवाइडिंग बेटर मार्केट्स फॉर एडवांस एग्रीकल्चर रूरल सर्विसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है टोटली जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें से यहाँ पे ITC नया मार्क्स ऐप ऐप लॉन्च करने वाला है, और टोटली हेल्प करने के लिए सॉल्यूशन करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया जा रहा है। देखिए द कंपनी सेड दैट द ऐप सेट टू बेनिफिट अराउंड 10 मिलियन फार्मर अक्रॉस मल्टीपल क्रॉप। यहाँ पे देखिए क्रॉप मतलब जितने सारे सीड्स होते थे उसको बताते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का बहुत बड़ा एक टारगेट है, मेरे हिसाब से इस टारगेट को कंपनी फॉलो अप करेंगे और इस टारगेट को बेसिस करके ही कंपनी ऑब्वियसली अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस करने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ है ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव है। इस न्यूज़ के माध्यम से मुझे लगता है कंपनी ने जो फैसला लिया ITC का जो मार्स का जो एप्स लॉन्च करने का वो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव है और एक बहुत हेल्पफुल होगा, सिर्फ कंपनी के लिए नहीं इंडिया के लिए भी, क्योंकि फार्मर के लिए इस तरीके से एप्स होना जरूरी है, क्योंकि फार्मर के बात कोई नहीं सुनते तो वो किससे बात करेंगे। तो इसके लिए इस तरीके से सॉल्यूशन कंपनी ने सोचा है, यही सबसे बड़ा पॉजिटिविटी है। तो क्या अभी इस न्यूज के बेसिस से इन्वेस्ट करें, बिल्कुल नहीं। कोई भी न्यूज आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट आपको देखना है। देखिए अभी तो बातचीत चल रहा था इस तरीके से एप्स मार्केट में लेके आएंगे, अभी तक लेके नहीं आया। तो फिर भी देखिए एप्स अगर आ भी जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से देखिए इस तरीके से न्यूज देख के कोई भी स्टॉक में डायरेक्ट जाके हम निवेश मत करिएगा। आपको कंपनी अच्छा लगता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अच्छा रहेगा, इस तरीके से कुछ क्लियरिटी आपको मिलता है तो तभी आप उस कंपनी के ऊपर बने रहिए। हाँ और भी कुछ चीज आपको देखना है जो है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, कंपनी का मतलब फंडामेंटल रिपोर्ट, इस तरीके से कुछ डेटा आपको चेक करना है। उसके बाद आपको लगता है हाँ उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज इस कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, कंपनी अभी बहुत बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में काम कर रहा है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। मैं टोटली मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, देखिए बहुत दिनों पीरियड में कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब एक साइड बेसिस पैटर्न में कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी जब भागेगा तो रॉकेट की तरह ही भागेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आप देख लीजिए किस तरीके से परफॉर्मेंस किया था, करीबन करीबन 7-8 साल, उसके बाद देखिए किस तरीके से रॉकेट की तरह भागा, रॉकेट की तरह ही भागा, मतलब धीरे 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 करके कंपनी अपटर्न में गया। तो मेरे हिसाब से ITC जैसा कंपनी इसका मतलब बिजनेस मॉडल जो है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ सबसे ज्यादा रेवेन्यूज इसका सिगरेट से आते हैं, फिर भी देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है मुझे बहुत अच्छा खासा लगता है, क्योंकि कंपनी अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग सेक्टर के साथ बिजनेस करते हैं। जो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं वो कंपनी फ्यूचर में किसी भी एक सेक्टर अगर बंद भी हो जाते हैं तो उसको कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा।
इस तरीके से कंपनी के ऊपर को बने रहना चाहिए जो मल्टीबैगर मतलब प्रोडक्ट्स बेचते हैं, मल्टीबैगर्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक लेते रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।